सुप्रभात, मैं साक्षी स्वागत करती हूं आपका देवभूमि इनसाइडर में। रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। सबसे पहले देश और दुनिया की खबरें। पीएम का सपा पर निशाना, कहा लाल टोपी वालों का मतलब रेड अलर्ट, खतरे की घंटी। पंजाब दौरे पर गए केजरीवाल ने सीएम चन्नी पर साधा निशाना, जालंधर में बोले काला हूँ तो क्या हुआ दिलवाला हूँ। कर्नाटक में ओमिक्रॉन वेरियंट से संक्रमित थे डॉक्टर, ठीक होने के बाद फिर पाए गए कोविड-19 पॉजिटिव। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गोरखपुर को दी करीब 9,650 करोड़ की लागत की कई परियोजनाओं की सौगात। सिसवा पहुंचे भाजपा के पंजाब प्रभारी गजेंद्र शेखावत, कैप्टन अमरिंदर के साथ किया लंच, बैठक मानी जा रही है अहम। तो ये थी सुर्खियां देश और दुनिया की। अब बढ़ते हैं उत्तराखंड की सुर्खियों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय रैंकिंग टेबल टेनिस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता 7 से 14 दिसंबर तक चलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पोखरी में हिमवंत कवि चंद्र कुंवर बर्तवाल खादी ग्राम उद्योग एवं पर्यटन सरदोत्सव मेले का शुभारंभ भी किया। आम आदमी पार्टी की 300 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के खिलाफ याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 8 दिसंबर को दी है। नागालैंड में शहीद हुए गौतम लाल का अलकनंदा नदी के किनारे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। सभी ने भारत माता की जय के नारे लगाए। खेल मंत्री अरविंद पांडे ने वंदना कटारिया राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया। अब हरिद्वार का नवनिर्मित नेशनल हॉकी स्टेडियम टोक्यो ओलंपिक की हैट्रिक गर्ल वंदना कटारिया राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। तो ये थी आज की सुर्खियाँ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप। जय हिंद।